आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। मोनू के घर में एक चतुर्भुज आकार की खिड़की है। कुछ बच्चे मोनू के घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद लगने से खिड़की का शीशा टूट गया। मां की मार से बचने के लिए मोनू खिड़की के आकार का शीशा बनवाने दुकान जाता है, जहां दुकानदार मोनू को बताता है कि शीशे की प्रति वर्ग सेंटीमीटर कीमत 5 रुपए है। यदि खिड़की का आंतरिक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर बनाए गए लंब 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो शीशा बनाने में कितना खर्च होगा? शीशा बनाने में कितना खर्च होगा? पिछली वीडियो में हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जान चुके हैं। प्रश्न से हम जानते हैं कि BD विकर्ण तथा AE और CF विकर्ण BD पर लंब हैं, जिससे इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। BD, AE तथा CF के मान प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर हमें खिड़की का कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। चूंकि शीशे की प्रति वर्ग सेंटीमीटर कीमत 5 रुपए है, इसलिए आवश्यक शीशे की कुल कीमत 6000 रुपए होगी। आज इस उदाहरण की मदद से हमने देखा कि किस तरह हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित अपनी दैनिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।